तो गाइस देखो, ये है DJI का गिम्बल रोनिन SC। तो ये गिम्बल 2 kg तक का वेट हैंडल कर लेता है। तो हमारे पास है सोनी का अल्फा 6400, ये 500 ग्राम का है। तो सबसे पहले हम लोग इसके नीचे की प्लेट लगा लेते हैं। ये कैमरा हल्का है, तो देखो ये लाइट को हमने सीध में रख लिया है, इसके ज़्यादा हेवी तरफ भी नहीं रखा और ज़्यादा लाइट तरफ भी नहीं रखा, बीच में रखा है। तो भाई ये हमारा कनेक्ट हो गया ये प्लेट से। गिम्बल पर कैमरे को बैलेंस करना बहुत ही आसान है गाइस। तो गिम्बल की ये जो तीनों मोटर है ना, इसको किलो तराजू मानना है हम लोगों को। किलो तराजू तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग सब्जी मंडी जाते हो तो वहाँ पर जो भैया हमको सब्जी नाप के देते हैं, तो एक तरफ वजन रखते हैं और एक तरफ सब्जियाँ रखते हैं या फल फ्रूट रखते हैं। वजन जब समान हो जाता है तो उसका केंद्र बिंदु एक कांटा होता है, वो मानना है हमको ये मोटरों को। तो हम लोग जब भी इसको बैलेंस करेंगे ऐसा बीच में समान रूप से वजन होना चाहिए। चलो तो बैलेंस करते हैं जल्दी से इसको। तो गाइस आप लोगों के पास भी इस टाइप का कैमरा है और लेंस है जो बाहर निकल के चालू होता है, तो आप लोगों को चालू करके ही गिम्बल के ऊपर सेट करना है कैमरे को। नहीं तो हम लोग अगर बंद करके कैमरे को सेट कर देंगे और फिर चालू करेंगे तो इसका जो वजन है सामने साइड चला जाएगा और गिम्बल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक करके तीनों मोटर को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम याली मोटर को बैलेंस करेंगे, तो ये दोनों मोटरों को लॉक कर देते हैं हम लोग। पहले खोलना है फिर लॉक करना है। ये दोनों मोटरों को लॉक कर दिया है हमने और ये देखो ये खुली हुई है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कैमरा माउंट करना है, तो इसको हल्का सा कस लेंगे हम अपने हाथ से। धकाने पर ये यहाँ से ऐसा मूव हो जाए, इतना रखना है हमको ढीला, और कैमरे को चालू कर लेना है। अभी देखो ये नीचे जा रहा है छोड़ने पर, और इसको हमको रखना है ऐसा बीच में। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पर देखो ये मोटर का हम बैलेंस कर रहे हैं ना, ये जो दो है ये हो गया हमारा वजन करने का किलो तराजू। अब इसको हमको बीच में रखना है, अभी नीचे भाग रहा है। तो कैसे होगा ये बीच में, इसका लॉक खोलना है यहाँ से और इसको आप लोग इधर उधर सरका सकते हो। देखो ये नीचे हो गया, इधर करेंगे तो इधर चला जाएगा। तो हम लोगों को बीचम बीच में करना है। देखो अभी रुक गया ना ये, और अब इसको वजन बराबर हो गया है तो इसको हम कस लेंगे। और गाइस इसके बाद जब ये सीधा हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को कैमरे को इधर नीचे करके देखना है कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर ये नीचे जाता है तो ये जो हमने ये स्लाइडर प्लेट से हमको आगे पीछे करके इसको मैनेज करना है। तो वजन अभी सामने जाते हैं तो हमको ये जो प्लेट है इसको पीछे साइड खिसकाना है। पीछे साइड चला गया ये, तो हमको प्रॉपर बीच में लाना है इसको। देखो अभी रुक गया ना ये। तो गाइस देखो ये हमारी मोटर प्रॉपर बैलेंस है। तो भाई अब हमको क्या करना है, ये वाला जो नट दिया है इसको पीछे सरकाना है, जहाँ हमारा ये बैलेंस हो चुका है तो उस पॉइंट पे लाके इसको कस देना है। ये हमारे जब काम में आएगा, जब हम दोबारा कैमरा इसके ऊपर लगाएंगे तो हम लोगों को इसको फिर से बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पर कस दो कि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पर आके ये बैलेंस हुआ था। तो गाइस इस मोटर को हम लोगों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, तो इसको लॉक खोलना है तो ये फ्री हो जाएगी मोटर। और उसके बाद ये देखो ये इस साइड वजन ज़्यादा हो गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोगों को क्या समझना है इस मोटर को, किलो तराजू, तो वजन किस तरफ ज़्यादा हो रहा है, उस साइड हो रहा है। तो हम लोगों को वजन किधर बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा, इस साइड बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर वजन इधर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों को ये स्लाइडर को इधर खसकाना पड़ेगा, अगर इधर ज़्यादा होता तो इधर खसकाना होता। तो ये नट हमने ढीला ही रखा था पहले से, तो हम लोगों को इधर साइड इसको खिसकाना है। तो हमारा बैलेंस बढ़िया हो गया है इधर पीछे की मोटर का। तो गाइस जहाँ भी आप लोग ये इस टाइप से रोकोगे आपका कैमरा रुकना चाहिए, तो आप लोग समझ लेना कि हमने सही से बैलेंस करा है। देखो ये पीछे वाली मोटर का भी बैलेंस,
तो गाइस हमने ये दोनों मोटर बैलेंस कर ली है और कैमरा देखो बढ़िया बीच में रुक रहा है। उसके बाद हम लोगों को ये नीचे वाला नट कस लेना है। तो गाइस अब बारी आती है हमारी तीसरी मोटर की जो कि है नीचे साइड। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसका लॉक खोल लेना है नीचे की मोटर का। यहाँ पर लॉक दिया हुआ है और ये जो पीछे वाली मोटर है इसका लॉक बंद कर लो, और जो ये ऊपर साइड की मोटर है इसका भी लॉक बंद कर सकते हो आप लोग, तो ये हिलेगा नहीं। तो गाइस देखो ये हमारा तीसरा किलो तराजू, ये तीसरी मोटर और वजन एक साइड जा रहा है इस साइड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये खोलना है वाला नट और इसको यहाँ से ऐसा धीरे धीरे सरकाना है अंदर और बीच में इसका बैलेंस लाना है। देखो बढ़िया बीच में आ गया इसका बैलेंस। अब हम लोगों को ये नट कस देना है। तो भाई हमारी ये तीनों मोटर बैलेंस हो गई है, इसके बाद हम गिम्बल चालू करेंगे। तो उससे पहले देखो ये लॉक खोल लेना है आप लोगों को जो हमने लगाए थे, नहीं तो मोटर पे लोड बैठेगा और मोटर जल सकती है। तो गाइस अब हम गिम्बल चालू करने वाले हैं। गिम्बल को बैलेंस करने के बाद हम लोगों को ये जो मोड का बटन है और ये जो सामने दिया हुआ है इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को ऐसी प्लेन सरफेस पे गिम्बल को सीधा रख लेना है और उसके बाद ये दोनों बटन को साथ में दबाना है। तो देखो ऑटोमेटिकली मोटर उन अपने आप को बैलेंस कर रही है। अगर हमसे बैलेंस थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ होगा तो ये मोटर अपने आप को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेती है। तो भाई हमारा गिम्बल सेट हो चुका है। तो गाइस देखो हमारा गिम्बल हमने कितने कम समय में सेट कर लिया है, और आप लोग भी कम समय में आसानी से ऐसे ही गिम्बल सेट कर सकते हो। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।